ये टूटो यहाँ से। हम क्या देंगे, हमें क्या? पुलिस बुला लो, बुला लो, पुलिस बुला लो। क्या डाल के बैठे थे? मैंने मारा, उसने मारा, क्या डाल के बैठे थे? क्या आराम से, क्या आराम से? गाड़ी चला रहे थे, पीछे देखना चाहिए। सो गुड मॉर्निंग गाइस एंड वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। भाई स्वागत है आपका दूसरे व्लॉग में हमारे भाई नेपाल सीरीज के। लौंडे को देखो कितना भाई खुश हो रहा है रुझे। तो भाई लास्ट व्लॉग में हमने देखा होगा भाई नेपाल हम पहुंच गए थे पोखरा और सुबह पहुंचे थे भाई 4 बजे। तो उसका तो रूम वूम भी मिला नहीं था, सब बंद था। अभी भाई जितना आपको जितना ये खुला दिख रहा है ना, सारे इतने होटल्स थे भाई, ये सब लोग सो जाते हैं, रूम ही नहीं देते हैं कोई। तो बड़ी मुश्किल से हमें ये रूम मिला था और बहुत सही रेट में मिला था। मैं, ऋषभ, सुमित, हम तीनों इस जगह सो गए, विष्णु सागर उस जगह सो गए। और इसका वॉशरूम तो ये लगा लो, बस घुसते ही खत्म है। सागर इसका भाई इतना सा वॉशरूम है जो घुसते ही खत्म है। सागर तो उस वाले कमरे में जाके नहा के आ दूसरे के में, और विष्णु कहाँ पे नहाओ? विष्णु सीट पे बैठ के नहाया है भाई। बहुत टूटी व्यवस्था थी पर ठीक है। हम भाई सुबह 4:30 बजे आए थे, तो 4:30 बजे से लेके हमें केवल 2-4 घंटे सोने के लिए चाहिए था। तो भाई 4-5 हज़ार रुपये खर्च करने का कोई भाई वर्थ इट नहीं था। अब यहाँ से भाई चेकआउट कर देंगे, 12 बजे का चेकआउट है और उसके बाद हम जाएंगे फिर किसी अच्छे से होटल में रूम लेने लिए। अब भी गया है भाई, यहाँ पर गाड़ी खड़ी थी, वो लोग ले गए हैं। सुमित और ऋषभ हमसे पहले उठ गए थे भाई, वो गए घूमने के लिए। अब हम हो रहे हैं तैयार, सब हो गए, ये भी सब हो गए। अब बस यहाँ से निकलने की तैयारी है। माँ की ममता बाप का कर यार कर भाई, मेरे बाल चेक कर रहा है मेरे। कर भाई कैसे करे भाई, मेरे बाल बड़े बड़े कर रहा हूँ ना मैं, तो मुझ पर सेट नहीं होते। कह रहे हैं कि और काम है नहीं कर दी तेरे, तो कर रहा हूँ एक बार चेक कर रहा हूँ, अगर ये बढ़िया ना लगे ना व्लॉग में तो देख ली, देख ली कमेंट करके बता देना। पतो इनाम मंत्री ना कछु तो करो, पतो ना क्या करो, भगवान जाने बढ़िया भये के बेकार भये। सागर बढ़िया करे ना, बेकार करे, समझ में ही ना आ रही मेरी तो यार, बढ़िया करे कमेंट करके बताना ना, बढ़िया करे के बेकार करे। अब हो गया वक्त निकलने का, लौंडे आ गए घूम के हमारे, अकेला अकेले घूम आए। सागर बेचारा रोता रह गया, कैसे कर रहे। तो भाई ये लोग घूमने आए, अब भाई हम सबका भाई हो गया सामान पैक, अब हम निकल रहे हैं, अब हम जाएंगे घूमने के लिए। चलो भाई चलो, एक बार चेक कर लियो विष्णु कुछ रहता ना, को पानी की बोतल तो होगी नहीं, उससे खत्म है गोदी के, पानी तो कुछ है ही ना है। ओ भैया सलमान खान चलो आगे बढ़ ले, चले चलो चल बदमाश। अच्छा एक चीज भाई, हमारे इंडिया में हम रूम लेते हैं तो सबसे पहले आधार कार्ड दो, सबके दो, पांचों के दो, छह के दो। हम इंडिया से नेपाल आ गए, हमसे किसी ने कुछ मांगा ही नहीं, नहीं बॉर्डर पे चेक करने के लिए आर्मी नहीं, अंदर अंदर सिटी में भाई लाइसेंस चेक करने कुछ करने के लिए पुलिस नहीं, होटल में भाई सिक्योरिटी के तौर पे कुछ आधार कुछ नहीं, मतलब पैसे दो सब लो, सब व्यवस्था आपको जुगाड़ नहीं। देखो अरे धमकी सुन लो ना, किसी ने आधार कार्ड लिया, पैसे दिए, बात किसी दिए, खेल खत्म, धमकी है, तगड़ा बोल गए। ओ भाई ले, हम गुप्तेश्वर महादेव जाएंगे अब दर्शन करने। भाई अपनी मंजिल की तरफ निकल चुके हैं, कौन सा गुप्तेश्वर महादेव। और हमारे भाई होटल से आज दूर भी नहीं था, केवल और केवल कितना 10 मिनट की रास्ता थी, बस पहुंच जाएंगे 5-7 मिनट में। यहाँ पे सब नियर बाई है पोखरा के, ज़्यादा दूर नहीं है, 10 किलोमीटर 12 किलोमीटर के एरिया में।
थोड़े बहुत ही। पार्किंग है तो भाई ये आ चुके हैं अपन गुप्तेश्वर महादेव भाई, बहुत पास में ही था। अब पार्किंग के लिए बड़े स्पेस की बड़ी प्रॉब्लम आती है। पार्किंग के लिए पूछो पार्किंग कहाँ करनी है, हो गई कोई नियर बाय पार्किंग? गुलाबी कलर की गाड़ी आ रही है पीछे देखो, बगल में देखो गुलाबी कलर की गाड़ी देखो। ओ ये चलो। हेलो गाइस, हम आ चुके हैं। कहाँ पे आ चुके हैं? गुप्तेश्वर महादेव। यहाँ से जाऊंगा, गेट यहाँ को बहुत सुंदर है। गुप्तेश्वर महादेव आ चुके हैं। अच्छा बना रहे थे, सब कहाँ लेके चले आते? दूरबीन के लंगे इधर है। ए चश्मा छोड़ इधर, चल चलो गाड़ी में बेटा बोला। गुफा जाने बाटो, यही एक मस्त चीज है। चप्पल पहन के आना, कैसे जाना किधर ते? सीढ़ी बहुत जरूरी है। ले दियो एक एक करके भाई। 50 रुपए की टिकट दी है इनको, मत आने देना अंकल जी, ये फ्री वाले सारी व्यवस्था। दुग्गी सागर के पास। तू कौन की ब्लॉकिंग कर रहा है तो बता, अपनी कर रहा है? हाँ अब आएगी। ओहो तो मेरी जान, हमारे साथ कुछ मित्रगण हैं जो हमको दुकान देख के घूमने चले गए थे। भाई इसमें हो रखी है ठंडक भयंकर मस्त, आराम से पानी टपकने लग रहा है पूरे में। आहा ये वहां का वो पानी है, वो कौन सी, वो डेविल्स भाई, कोई डेविल्स फॉल्स है तो वो यहीं पे आता है बहकर। क्यों अच्छा? ओ भाई साहब ये दस गई तो हम कहीं यहाँ निकल पा रहे हैं? गेट वेट सब लगा रखा है, गेट लगा रखा है। अच्छा जी वो ये आप तो बता रहा हूँ भाई, दर्शन किए हैं सिर्फ और सिर्फ 5 मिनट 25 मिनट से, केवल और केवल फोटो खींच रहे हैं बस, उसके अलावा कुछ नहीं हो रहा। सबसे ज्यादा फोटो खिंचवाने वाला इंसान है ये, अगर एक फोटो हम खिंचवाएंगे तो उसको 100 फोटो खिंचवाना है। सुमित के कितने फोटो खिंचवावे जी? 10 फोटो 100 फोटो अलग है यहाँ पे। हीरो है नहीं, आदमी है भाई। सेकंड लोकेशन की तरफ चलना है, या तो जाएंगे डेविल्स फॉल या फिर वाटरफॉल जाएंगे। वाटरफॉल देख के क्या करेंगे, वाटरफॉल तो देखते रहे मार चलने। वो कौन सा पठानकोट, कौन सा मैं भूल गया यार, रेनकोट पठानकोट मैंने जगह बताई थी भूल गया। कोट ना है, अरे कोई सा कोट रहता है यार वो भूल गो, मैं भी याद करके बताता हूँ उसका नाम। वो जहाँ पे जिपलाइन अटकाई एक जगह थी यार, मैं भूल रहा हूँ, मुझे पता नहीं, मैं गूगल पे सर्च करता हूँ, गाड़ी में देखेंगे। कितने हो गए? 7,665 रुपए लीटर थी यहाँ पे है भाई, यहाँ पे पेट्रोल है 165 रुपए लीटर। अभी जस्ट पैसे निकाले 10,000 रुपए, 7,600 को तो पेट्रोल टंकी फुली है गई है विष्णु। 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,600 रुपए की तो 76 लग गई तुरंत, 76 लग गई तुरंत, 7,600 रुपए तो टंकी फुल हो रही है वहाँ पे। कैरबा में 5,000 में हो गया, 7,600 रुपए में हुई है, कुछ सस्ता नहीं है साला, सभी महंगा है। 165 रुपए लीटर है सब, तगड़ो ही महंगा हो यार। तेल भी इम्पोर्ट होगा ना इंडिया से, सारी चीज इम्पोर्ट है रही है इंडिया, ऑलमोस्ट खुद ही भारत की है इंडिया, इंडिया सारी 400 रुपए ले ले मोस्टली आइटम इंडिया पे इम्पोर्ट कर रहे हैं। चलो भैया कोई दिक्कत ना है, बिजनू कह रहा भूखे मर रहे हैं, ऐसे नहीं कहो यार किसी के बारे में, यही बहन के छुपाए भूखे। चलो
ऐसा ड्रामा है ये, ऐसा लीन बदमाशी पत्ता डाल दी अड़ गया। क्या डाल के बैठे थे? मैंने मारा, उसने मारा, क्या डाल के बैठे थे? कान में मुझे एक छोटी सी बात बताइए, गुस्सा करने से कुछ होता है? रोड भाई टूट रहा था, हमने मारी ब्रेक, पूरा टूट रहा है पीछे से, दे मारी तो बदमाश हो जाएगा। सब बना दे, मैं बनाऊंगा, मैं पैसे दूंगा, बिल्कुल पैसे क्या देगा, पैसे देगा नहीं देगा, कैसी बात कर रहे हो आप? आप इस चीज के लिए हमारे पास भाई पैसे की बात नहीं होती है, व्यवहार भी तो होता किसी चीज का। आप कमाल कर रहे हो, आप तो हम बाहर के तो आप तुम पैसे छड़े जा रहे हैं बाहर के लिए, और क्या आप छड़े जा रहे हो बाहर के, तो गाड़ी चला रहे हैं भाई, पीछे देखना चाहिए ना ये टूटो यहाँ से। तो भाई सीन अभी ऐसा है कि थोड़ी देर भाई रुकना पड़ेगा रास्ते में, क्योंकि भाई ये जो रोड है ना पीछे भाई, ये पूरी जो है ढसी हुई थी, ये भाई ये टूट हुई थी रोड। अब क्या होता है भाई, गाड़ी जो है यहाँ से एकदम से यहाँ पे भाई ये पत्थर जो है ना ये सारे रखे हुए थे, ये टूटी हुई थी। तो भाई गाड़ी मैंने ली बैग, भाई मैंने बैग ली तो सडनली एकदम से भाई मैंने देखा नहीं, और देखा नहीं तो भाई ये जो पीछे भाई की गाड़ी खड़ी है भाई ये थी पीछे, अब इसके भाई टूट गया आगे का मरगट पीछे का। हालांकि हमारी गाड़ी में कोई नुकसान नहीं है, पर इनके में हो गया है। अब यहाँ से भाई एजेंसी है थोड़ी दूर, अब हम कह रहे हैं भाई पैसे ले लो तुम, ख़त्म करो चीज़ों को, तो वो कह रहे हैं कि ज़्यादा मांग रहे हैं। अब देखते हैं, फ़ोन करके पूछा भाई शोरूम पे कितने पैसे मांगते हैं, अगर जायज़ मांगते हैं तो भाई यहीं दे के हम चले जाएंगे आगे, और अगर ज़्यादा मांगते तो फिर हो सकता है भाई इसी गाड़ी को लेके जाएंगे शोरूम, वहाँ से ठीक कराएंगे। अभी बस लड़ाई होते होते बद के लगा लो, राई नामा की बात चल रही है, लौंडे खड़े हुए हैं भैया। हम क्या देंगे, हमें क्या भाई 2000 में यार क्यों नहीं आएगा यार, शोरूम तो नहीं आएगा आपका, हम 2000 रुपए दे देगा आपको, मर्जी है आपको, यहीं बैठे हैं, पुलिस बुला लो, बुला लो पुलिस, बुला लो करो फोन, बुला पुलिस, हम पीछे से ठोकी है गाड़ी, और काय बात खत्म, नहीं वो नहीं मान रहा, नहीं तो एक 2000 वाले है गए, ये 500-700 रुपए को डाले यार, कहीं 2000 को ना है। अबे मैंने कहा ना 2000 रुपए ठीक नहीं है, 2000 रुपए भाई की हकीकत में बहुत ठीक है यार, 2000 भाई जी मैं मजाक की बात नहीं कर रहा, आप वाले कोई जानकार तो पूछ लेना, 2000 रुपए का होगा नहीं, फिर हम 2000 रुपए देने, 2000 में नहीं मिलेगा यार, ना केवल और केवल नीचे जाने की टाइम खराब करने वाली दिक्कत है, और कोई बात नहीं है, आप एक बार मिस्त्री से पूछ लो कितने रुपए कह रहा है, एक काम कर भाई, झगड़ा सॉल्व हो चुका है, 2500 रुपए उसको दिए हैं, 2500 रुपए नेपाली रुपीज चेंज करवाने के, 3000 रुपए का भाई ने डाला, 2500 में एडजस्टमेंट हो गया। और भाई ये जो भाई जो लड़ रहा था ना हमसे, इसके साथ जो था इसने भाई सॉरी बोल दिया हमको, और सब ने बढ़िया वो कर दिया अच्छे से, ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल नहीं 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 बिल्कुल, हम केवल दोस्ती डालता है, ओके ओके बाय बाय, भोलेनाथ जी का। तो भाई चलते हैं हम मंजिल की ओर, बहुत बहस चल्लम चल्ला होने के बाद, नौटंकी होने के बाद फाइनली मंजिल पे चल रहे दोबारा से, चलो दोस्त चलो चलो। तो भाई पहुंच गए अपन, एक तो नाम भूल जाऊंगा बार का नाम कौन, पठानकोट सारंगकोट भाई पहुंच गए हैं, और गाड़ी लगा दी है पार्किंग में रेस्टोरेंट की। अब यहां से भाई हमको जाना ट्रैक करके 20 मिनट का ऊपर, लेकिन वो थोड़ा दूर है भाई, वो अपने को जाना पड़ेगा ऊपर उसके लिए, तो इसीलिए भाई पहले कुछ दे जाते हैं खाने का ऑर्डर, एनर्जी ड्रिंक साथ लेके जाते हैं, और भाई यहाँ खाएंगे अपन खाना इस जगह पे, ये व्यू एंजॉय करते हुए देखते हुए इस जगह पे भाई, इस व्यू के लिए आए हम इतनी दूर, ऐसा यार यही रूम लेना चाहिए हो यार, यार रोपे भी तो है, देखियो रोपे दे रही, अरे एक बार देखियो कोई गेस्ट वेस्ट आए क्या कह रहे हैं, अब रोपे से क्यों नहीं आए, ये रही भाई इसकी एंट्रेंस, और इतनी सारी सीढ़ी है भाई हम चढ़ के आए ऊपर। हाँ भाई ऋषभ
पंगे चल गए भाई, सांस फूल गई। ऊपर ऊपर भाई कुछ नहीं, बस मंदिर है ऊपर, है सिर्फ मंदिर और भाई व्यू। अब इतनी दूर आए हैं भाई, देखना तो बनता था, इसलिए हम तो आ गए, मैं और ऋषभ सिर्फ। भाई वो लोग नीचे ही रह गए, वो ऊपर ही नहीं आए। अभी अगर मंदिर में जाके देखते क्या सीन है, पर मंदिर है किस चीज़ का है? सांस भूल गई, भोलेनाथ जी का मंदिर है। जय हो नंदी देव। चप्पल का उतारनी है यार, जय भोले शंकर, ओम नमः शिवाय। अच्छा हम गलत द्वार से आ गए, आ गए गेट। जय हो मैडम, भाई वैसे तो खैर कुछ नहीं है यहाँ पे, बट भाई शिव जी का मंदिर है और काफ़ी पीसफुल जगह है। बैठोगे भाई थोड़ी बहुत देर, 10-15 मिनट तो आपको शांति मिलेगी, तो आना चाहिए बैठने के लिए, थोड़ी शांति भी ज़रूरी है कभी कभी। भाई इसके ऊपर भाई शिव जी की मूर्ति बन रही है, वर्ल्ड की सबसे हाईएस्ट मतलब ऊंचाई पे बनने वाली भाई, पता नहीं फर्स्ट है सेकेंड है कौन सी, तो बनने के बाद ही पता चलेगा। भाई ये वर्कर सभी कर रहे हैं काम, चालू है पता नहीं, बट हाँ काफ़ी भाई पीक पर बनेगी एकदम। और भाई ये है अपना पूरा भाई पोखरा का पूरा व्यू, भाई आधा नेपाल भाई ऑलमोस्ट यहाँ से दिखता है आपको। भाई ये है पोखरा का एयरपोर्ट, वो भी आपको भाई सामने दिख जाएगा, और मैं इसका नाम भूल रहा हूँ भाई, ये लेक, ये लेक का नाम क्या हो, पौन लेक, पौन कह रू ऐसी भाई कुछ पीस है इसका, कुछ भाई नाम है भाई। भाई ये पूरी लेक सबसे बड़ी लेक है यहाँ की, और शायद उसकी नेपाल की सेकेंड हाईएस्ट लेक है वो इस साइड है। एयरपोर्ट भाई पूरा पोखरा का व्यू, भाई आधा नेपाल इसमें भाई दिखता है आपका पूरा, बेहतरीन एक नंबर। तो बस भाई यही व्यू है, मंदिर है तो और तो ऐसा कुछ खास है नहीं, बट भाई अच्छी जगह है, आओगे तो मतलब वर्थ इट आना। ये है ऊपर देखो, इतने आलसी है ऊपर चढ़ के आ रहे पड़े, भाई होटल से निकल के नहीं आए, वही फोटो खिंचाने लग रहे सब लोग। हम चले भी गए, होके आ भी गए वापस से, अभी भी वही है। चलो आलसी तुम ऊपर सो ना आए ना, मैं तो आ रहा हूँ ना आए तुम लोटा लाए, ये करो हमें तो दिखे ना आए, तमाम आवाज देंगे, आवाज तो नीचे तो ऊपर आ जाएंगी का। अब आ गया खाना, खाना पीना खा के भाई यहाँ से होते हैं फ्री, फिर जाएंगे नेक्स्ट लोकेशन पे। क्यों ये तो सोच ही नहीं है, सोच लेंगे भाई, पहले खाना खाते हैं उसके बाद फिर डिसाइड करते हैं नेक्स्ट लोकेशन, फिर वहाँ चलते हैं। लोग कुछ लोग में से चलते हैं, पर लोगों प्लीज कृपया करके फोटो वीडियो बनाएं। ठीक है ठीक है। तो भाई रूम मिल गया है अपने को, ये रहा हमारा होटल सनो संसार, भाई रूम भी इसके अच्छे हैं। ऋषभ और सुमित तो पहुँच गए अंदर, और ये जा रहे सामने विष्णु और सागर, और हमारा तो छोटा सा लगेज है भाई, जिम का भाई कहीं भी लेके चल देते हैं, बाकी के इनके हाथ में ही है। तो भाई कपड़े हो चुके हैं चेंज, भाई शॉर्ट्स ही डाल लिए हैं और टी शर्ट, सब लोगों ने टी शर्ट लोअर ही पहने हैं, क्योंकि भाई क्लब हम जाएंगे शाम को। अभी हम जा रहे हैं, मैं फिर उड़ गया पावा लेक, पावा लेक, पावा लेक करके भाई, जो पावा लेक है भाई वहाँ जा रहे हैं। तो भाई इसलिए हम थोड़ा घूमेंगे, टाइम स्पेंड करेंगे, इसलिए भाई जीन्स टी शर्ट नहीं डाले हैं, नॉर्मल शॉर्ट्स लोअर वगैरह टी शर्ट पहन ली हैं, और थोड़ा भाई शाम के टाइम भाई वॉक वगैरह करेंगे, इवनिंग वॉक वगैरह टहलेंगे, इस चक्कर में भाई थोड़ा पीस ऑफ माइंड आराम से, देन 1-2 घंटे वहाँ बिताने के बाद फिर वापस से लौट के आएंगे होटल, फिर कपड़े चेंज करेंगे भाई, फिर अब जाएंगे यहाँ के सबसे फेमस एंड सबसे बड़े भाई क्लब में, क्या नाम है वो, कैटवॉक, कैटवॉक में भाई। तो भाई सबसे पहले निकलते हैं, वरना सनसेट हो गया तो बोटिंग रह जाएगी हमारी, फिर सनसेट के बाद। चलो बैठो लौंडो, पापा तेरा भी सनसेट हो जाता है। भाई साहब इतना तगड़ा चूतिया कटा है ना, सनसेट देखने के चक्कर हम जल्दी जल्दी कमरा में से निकल के भाग के आए, और देखो
हमारा भाई होटल उस साइड है और वहां से ये मेन रोड है जहाँ से आगे चौराहे से मुड़े थे और भाई हम पूरा वहाँ पे मतलब इस पूरा घूम आए हम करीब करीब मान के चलो भाई कम से कम 25 किलोमीटर हम घूम के आए हैं पर हमें लेक नहीं मिली और लास्ट पता चल रही कि लेक बिल्कुल हमारे होटल से जस्ट वॉकिंग डिस्टेंस 1 किलोमीटर पे लगा लो। इतना दिमाग खराब हुआ, सनसेट भी हो गया ना कुछ देखने को मिला। अब बोटिंग तो शायद मुश्किल ही कुछ हो पाएगी पर ये भाई आगे देखने के लिए अब आए ने कहा तो टहली लें और क्या है वॉक ही कर लेंगे है कि नहीं। यार कब के निकल रहे हैं, आधे घंटा से घूम ही रहे हैं, 50 किलोमीटर तो वैसे डोल ली हम। सुबह आएंगे हैं क्या, रात में भी करें एक बार रात में करें, सुबह करें यार रात में। यार अच्छा लगे न, डर आपने से लगे देख, आराम से देखेंगे घूमेंगे दिखना आ रहा है कैसे मेला लग रहा है, मेला में चल रहा है भाई। अब जा रहे हैं मेला घूमने के लिए क्योंकि लोकल स्ट्रीट पे घूमा जाएगा आराम से यहाँ पे भाई सुकून से। सब लोग घूम रहे हैं भाई, हम भी घूमेंगे आराम से। और अभी पता है भाई मैंने सोचा कि बचपन की आदत ताजा की जाए, गुड़िया के बाल खाएंगे। गुड़िया के बाल पूछे भाई 50 रुपए के दे रहे है, मैंने की रहने कहानी नहीं है। पर भाई ये थोड़ा अच्छा सा लग रहा है, मतलब घूमने के लिए बैठने के लिए बहुत पीसफुल जगह, शांति सी। गाइड सर बताइए, हम लेक देखने आए थे अपने भाइयों के साथ पर ऐसा हुआ हमको बना दिए चूते किसी ने। अच्छा, हम घूमते रहे 40-50 किलोमीटर का, हमने राउंड सर्कल लगा लिया। एक बोलते ना बगल में छोरा गांव में ढिंडोरा, ऐसा ही हुआ है। इसलिए हम आप मेला में घूमने आए, शायद देखेंगे मौका मिला तो कल सुबह जल्दी आएंगे। हम यहाँ पे मेले के आनंद लेने बस, अच्छी जगह शांति वाली। महाराज की जय, ओल पूछ रही के लोटा की जय। डांस करके दिखाइए, करियो भुट्टा के अरबा को 50 नेपाल में सस्ती है, सस्ती है नंबर सस्ती। 60 रुपए को होगा मारे भुट्टा, 10 रुपए को भुट्टा मारे। तू पागल हो गो बस। आओ मेरे कैमरामैन। तो भाई अब जा रहे हैं होटल, क्या करने के लिए, कपड़ा चेंज करने के लिए, पार्टी के लिए, वहां से जाएंगे क्लब कैटवॉक, सबसे बेस्ट क्लब पूरे भाई पोखरा का। आओ लौंडो शकल तो दिखा दो पहले, तैयार हुए ऑल सेट है कि नहीं, सब सेट है गए आप लोग क्लब जाने का है। जाके लगन सगाई है कि क्लब जावे का था, सेट है गए बिल्कुल भाई। गाड़ी की चाबी नहीं मिल रही आधे घंटे से, अगले आदमी को तैयारी भी नहीं पता कि कहाँ की गाड़ी की चाबी। तुम मोह दे दो, तुम खोखा दोगे गाड़ी की चाबी है, तुमने कमाल कर दियो। दो गाड़ी की चाबी कोई ना, उस गाड़ी की चाबी कहाँ है भाई साहब। ब्लॉग खत्म है, वो तो चले रात के 10 बज चुके हैं, क्लब में एंट्री को टाइम है, वो निकल लो। मोबाइल 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 जल्दी नहीं हो जा रही। मंत्री कह रहे बाइक पे पैर टेक के देख लो एक बार कैसे चले। टेक यू मंत्री, टेक यू चला लेगो ना, चला लेगो चलती पे तो चल रहा, चलती पे तर रहा है। चल भाई क्लब में क्या बन के जाएगा लगड़ा, अब पाइज मेरे के चाहिए। ओ हाँ दिखा दे तो अपने आप कमेंट आ गई। अच्छा ठीक है, सतरंगी चाबी वाला आया, चाबी नहीं मिली, चाबी वाला आया घर से कचरा निकाल, चाबी वाला कचरा वाला करवाता है वो। चलो बप्पन मियां बैठो बैठ जा मेरी जात के। Yeah.
भाई पार्टी आज कुछ ज्यादा ही हो गई, बाकी से लड़के भाई अभी नीचे है, मैं भाई ऊपर आ गया। तो भाई इस व्लॉग को करते हैं यहीं पे एंड। अब भाई मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, क्योंकि भाई अब सोना अपने को कल अपने लेंगे काठमांडू के लिए, क्योंकि भाई पोखरा में जो भाई मेन जगह थी वो हम घूम चुके हैं और अब ऐसा यहाँ कुछ है नहीं घूमने के लिए, तो अब हम सोएंगे। कल सुबह जल्दी निकलना है अपने को काठमांडू के लिए। तो भाई मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। I got zero friends.